हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अंजलि। हियर इज़ अंजलि शर्मा एंड दिस इज़ योर चैप्टर दैट इज़ शुड विजर्ड हिट मॉमी पार्ट थर्ड। वी आर रीडिंग टुडे, सो लेट्स कंटिन्यू इट। इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द स्टोरीज विच वर टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर दैट हर नेम इज़ जो। एंड जब वो उसको एक रोज़र की स्टोरी सुनाता था तो रोज़र स्कंक जब आउल के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, वो उसको कहता है कि अरे इसमें से तो बहुत बुरी स्मेल आ रही है, बहुत ही फाउल स्मेल आ रही है। तो रोज़र स्कंक कहता है आई नो इट, मैं जानता हूँ, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। और वो उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, कहता है कि इसीलिए सारे छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं, वो मेरे साथ खेलते ही नहीं है। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। तो जो इनॉर्मस वाइज आउल था, जो बड़ा सा वो बुद्धिमान आउल था, उसने ये कहा, उससे ये कहा कि यू कुड हेल्प मी। तो रोज़र स्कंक उल्टा उसकी हेल्प कर सकता था। वो कैसे? वेल मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज। तो उसने कहा कि मेरे इतने क्लोज मत आओ। जो जादूगर था उसको बहुत बुरी स्मेल उसमें से आ रही थी, तो उसको क्लोज आने के लिए मना किया और कहा कि शायद हो सकता है वो उसकी हेल्प कर दे। वो उसको अंदर लेकर जाता है। नाउ इनसाइड जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विज़र्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। अब अंदर जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें, सारी की सारी मैजिक थिंग्स थी जो कि जम्बल्ड टुगेदर थी, मीन्स मिक्सडअप थी, और मिक्सडअप होकर इन अ बिग डस्टी हीप एक बहुत बड़े से ढेर उनका लगा हुआ था। बिकॉज जो विज़र्ड था उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी जो उसके घर की साफ सफाई कर सके। तो जो पूछती है वाई, तो जैक कहता है वाई बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड, क्योंकि वो एक जादूगर था एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत बूढ़ा भी था। विली ढाई, तो ये सुनकर कि वो बहुत बूढ़ा था, जो उससे पूछते क्या वो मर जाएगा? नो, वी जस्ट डोंट डाई। तो अब जैक कहता है कि नहीं, विज़र्ड जो है वो मरते नहीं हैं। वेल ही रमिस अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड एंड आस्क रोज़र स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। अब उसने उधर उधर रमिस अराउंड मीन इधर उधर सर्च किया, और फिर उसको अपनी ओल्ड स्टिक मिल गई जो कि एक, जिसको कि एक मैजिक वैन कहते हैं, और रोज़र स्कंक से पूछा कि वो उसको क्या चाहिए था, मीन्स उसको कैसी स्मेल चाहिए थी। रोज़र थॉट एंड थॉट एंड सेड रोज़ेस। तो रोज़र ने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद वो बोला उसको रोज़ेस की स्मेल चाहिए। यस गुड, जो सेड स्मगली। तो जो ने एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मैनर शो करते हुए कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मीन्स वो इस बात से बहुत सेटिस्फाई हुई, वो यही चाहती थी स्टोरी में। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विज़र्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। तो अब जैक ने जो वो स्टोरी सुना रहा था उस विज़र्ड की, तो जो वो विज़र्ड था वो उसको एक रोज़ेस की स्मेल देने वाला था, इसलिए वो जादू कर रहा था। तो अब जैक ने अपनी ट्रेंस लाइक गेज, मींस बहुत ही एक कॉन्शियस स्टेट उसने अपनी कर ली, मींस जैसे एक हम ध्यान लगाते हैं तो एक वैसी एक स्टेट करके, वो एक वैसी कंडीशन में उसने अपनी आंखों को बंद किया। एंड चैंटेड इन द विज़र्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और बहुत ही इरिटेबल मींस अनोइंग जो उस बूढ़े जादूगर की वॉइस थी उसमें उसने चैंट करना, उसने बोलना शुरू किया। एब्रेक डेब्री होकस पू रोज़र स्कंक हाउ डू यू डू, रोज़ेस बॉज़ेस पुल एन ईयर रोज़र स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। अब उसको बोला कि अब उसकी जो स्मेल है ये जादू वाला मंत्र पढ़कर वो रोज़ेस जैसी हो जाएगी। ही पोज्ड एज अ रेप्ट एक्सप्रेशन widened आउट फ्रॉम हिज daughter's nostrils, फोर्सिंग हर eyebrows अप एंड हर लोअर lip डाउन इन अ wide noiseless grin, एन एक्सप्रेशन इन which Jack was startled टू recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties। तो वो एक पल के लिए रुका,
एज अ रेप्ड एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्टल्स, क्योंकि जो ये एक कंडीशन थी जिसमें कि वो एक ध्यान लगाकर उस मंत्र को बोल रहा था, तो जो उस ध्यान का वो एक भाव था, वो जो एक्सप्रेशन था, वो ख़त्म हो गया था जब उसकी डॉटर के जो नोस्ट्रिल्स थे, जो उसके नाक के छेद से, उनसे उसने ऐसे एक गहरी सांस छोड़ते हुए और अपनी आईब्राउज को ऊपर करते हुए एंड अपने लोअर लिप को नीचे करते हुए एक बहुत ही नॉइजलेस मीन्स एक खिलखिलाकर हंसने के बजाय उसने सिर्फ एक सिंपल स्माइल ग्रीन उसको दी। और वो जो एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन ऐसा था कि इन विच जैक वो स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फीनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज, मींस उसने जैक को बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड कर दिया था, बहुत चकित कर दिया था, क्योंकि ऐसे ही एक्सप्रेशंस उसने अपनी वाइफ के फेस पर देखे थे जब वो कॉकटेल पार्टीज में बहुत ही हैप्पी दिखने का मतलब ऐसे कोशिश करती थी। वो हैप्पी होती नहीं थी बट कोशिश करती थी हैप्पीली दिखने की, तो उस समय ऐसी मुस्कुराहट उसकी चेहरे पर आती थी। फीनिंग मीन्स हियर प्रीटेंड करना। एंड ऑल ऑफ सडन, और फिर अचानक ही विस्पर्ड, वो धीमे से बोला, द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, रोजेज रोजर फिश क्राइड। अब उस विज़र्ड का जो घर था वो अंदर से पूरा जादुई खुशबू से भर गया, जो रोजेस की एक स्मेल थी उससे पूरा भर गया, और गुलाब की जो महक थी उसको मतलब ऐसे फील करने के बाद जो रोजर फिश था वो एकदम से चिल्लाया। देखिए यहाँ पर जो जैक है वो बाय मिस्टेक उसको रोजर स्कंक की जगह पर रोजर फिश बोल देता है, और फिर आगे कहता है एंड द विजर्ड सैड, और फिर विजर्ड ने कहा वेरी क्रैंकी, बहुत ही गुस्से में आकर, दैट विल बी 7 पेनीज, कि इसका जो चार्ज लगेगा वो 7 पेनीज होंगे। डैडी वॉट, अब जो ने कहा डैडी, फिर से इंटरप्ट किया, तो उसके फादर ने कहा बोलो, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश, कि देखो यहाँ पर उसने उसको नोटिस किया और उसको पकड़ लिया उसने कि उसने गलत बोला है। उसने कहा वो रोजर स्कंक था, आपने रोजर फिश बोला, यू सेड रोजर फिश, वॉजंट डैट सिली, कि आपने जो रोजर स्कंक की जगह पर उसको रोजर फिश बोला, क्या ये बहुत ही सिली बात नहीं है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो जैक ने कहा कि हाँ, तुम्हारे स्टूपिड ओल्ड डैडी की ये बहुत ही सिली बात थी। वेयर वॉज आई, कि चलो अच्छा ठीक है बताओ मैं स्टोरी में कहाँ पर था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, क्या तुम पेनीज जानती हो क्या होता है, से इट, कि आप बताओ। ओके रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। अब रोजर स्कंक ने कहा कि उसके तो पास केवल 4 ही पैसे हैं, एंड ही बिगिन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, तो जो ने भी उसकी एक्ट करते हुए बिल्कुल ऐसा ही क्राइंग फेस, रोने वाली सूरत बना ली, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, दिस अनॉयड जैक, लेकिन इस समय उसके फेस पर बिल्कुल भी सिंसियरिटी का एक भी मार्क नहीं था, जिसकी वजह से जैक जो है वो थोड़ा इरिटेट हो गया। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, उसे सीढ़ियों से नीचे फिर से कुछ फर्नीचर के रंबल्ड होने की, खिसकाने की आवाज़ सुनाई दी। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग, क्लेयर जो उसकी वाइफ है, शी वॉज 6 मंथ्स प्रेगनेंट, सो शी शुडंट मूव हैवी थिंग्स, उसको इतनी भारी चीज़ें ऐसे नहीं उठानी चाहिए, इट वुड बी देयर थर्ड, एंड ये उनका थर्ड बेबी था। सो द विजर्ड सेड, तो अब उस विजर्ड ने कहा ओ वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन, कि इस सड़क के, इस लेन गली के लास्ट तक जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और वहाँ जाकर 3 चक्कर लगाओ, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और फिर उस जादुई कुएं को में देखो, देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, वहीं पर तुमको 3 एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, हरी अप जल्दी करो, क्लियर। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, तो इस तरह से जो रोजर स्कंक था वो उस लेन की एंड पर गया, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और वहाँ पहुँच कर उसने 3 चक्कर लगाए, एंड देयर इन द मैजिक वेल, और उस जादुई कुएं में उसको 3 पेनीज मिल गए।
सो ही टुक देम बैक टू द विज़र्ड. वो उसने उनको उठाया और वापस विज़र्ड के पास गया एंड वॉज वेरी हैप्पी और वो बहुत खुश था. एंड रन आउट इन टू द वुड्स और फिर वहाँ से वो वापस जंगलों में भाग गया. एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम. अब जो सारे दूसरे जानवर थे वो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए बिकॉज ही स्माइल सो गुड, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी. एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेक्रोस, होकर, सोसर एंड पिकअप स्टिक्स, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले. अब जैक ने जब उसको ये सारे गेम्स के नाम बताए तो जो ने पूछा व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स, कि ये पिकअप स्टिक्स क्या होती हैं. इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स. तो जैक ने उसको बताया कि ये एक गेम होता है जिसको स्टिक्स के द्वारा खेला जाता है. तो अब जो उसने विज़र्ड की स्टिक के बारे में सुना था, मैजिक वैंड के बारे में, तो वो उससे कंपेयर करती है और पूछती है लाइक द विज़र्ड्स मैजिक वैंड, कि जैसे उस जादूगर की जादुई छड़ी थी बिल्कुल वैसे काइंड ऑफ. तो जैक ने उसको समझाया कि हाँ कुछ कुछ ऐसी ही. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रन होम टू देयर मोमीज. तो फिर उसने उसको स्टोरी को कंटिन्यू किया और आगे बताया कि उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले, फिर वो पूरे आफ्टरनून हंसते रहे और फिर जब अंधेरा हो गया सब अपने अपने मम्मीज के पास अपने अपने घर पर चले गए. जो वो स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड. अब जो है वो अपने हाथों को मटकाने लगी थी और विंडो से बाहर देखने लगी थी, क्योंकि एट द क्रैक ऑफ डे जब जो टाइम था वो टाइम कैसा था, एट द क्रैक ऑफ द डे, क्रैक मीन्स जो दिन का दृश्य था, दैट शोड अंडर द शेड, जो कि उसको शेड के अंडर मीन्स पर्दे जो वहाँ पर लगे हुए थे उनमें से छन कर जो डे लाइट आ रही थी तो उसमें वो उस विंडो में देख कर उसको अपने हाथों को मटकाने लगी थी. शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर. वो सोच रही थी कि इस स्टोरी का एंड हो गया था. जैक डिडंट लाइक वुमन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक देम एप्रिहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स. नाउ जो आर यू लिसनिंग. अब जो जैक जो है वो ये कहता है कि उसको ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती थी जो किसी की भी बात को मानकर चलती थी. वो उसका मानना ये था कि उनको वेट करना चाहिए, दे शुड बी एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, मीन्स उसकी बात को सुनने के लिए उसको वेट करना चाहिए. उसको इस तरह की जो लेडीज थी वो पसंद थी. तो वो अपनी बेटी से कहता है, अब क्योंकि वो उसकी बात को सुन नहीं रही थी, उसने उस स्टोरी का एंड मान लिया था, और वो उसको अब डांट कर कहता है कि जो क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो. सो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.